नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, ये शाम का टाइम है और ये वीडियो है संडे की शाम की। और मैंने कल आपको मंडे की दिखाई थी, लेकिन ये वीडियो संडे की है, दोपहर के बाद की। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं मूली की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो बॉईल करके मैंने रख दी थी। और यहाँ बस मेरी तैयारी है शाम का खाना बनाने की। तो अब शाम के खाने में मैं बनाऊंगी मूली की सब्ज़ी। बॉईल करके रख दी थी, सबसे पहले इसको निचोड़ लूँगी हाथ से खूब अच्छे से, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। क्योंकि जब तक इसमें पानी सा रहता है तो फिर ये टेस्टी नहीं लगती, चिपचिपी सी रहती है। और यहाँ पे बस सारी निचोड़ लिया अच्छी तरीके से, खूब जितनी भी जान लगी मेरे से। और उसके बाद अब लगाने लगी मैं तड़का। कढ़ाई मैंने रख लिया है और इसमें जीरा धनिया डाल के प्याज डाल के भून ली। आप चाहे तो इसको खाली जीरे में भी भून सकते हैं, तब भी ये टेस्टी लगती है घी में डाल के। लेकिन घी मैंने नहीं डाला, ऑयल में ही डाल ली। ऑयल में ही तड़का लगा दी इसके पापा की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ढिली, और उस दिन तो और भी ज़्यादा ढिली सी हो गई थी 31 तारीख को। तो चल ही रहा है, फीवर तो अब नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वीकनेस सी फील हो रही है और खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से मतलब कफ़ भी बन रहा और वीकनेस सी हो रही है, अजीब सा कह रहे कि हो रहा, मतलब बिल्कुल फ्रेश फील नहीं कर रहे वो कह रहे थे। तो शाम के टाइम उनकी तबीयत डाउन सी हो गई थी, तो मैंने सोचा चल सब्ज़ी बना दूँ। इनकी वजह से मैंने घी भी डाला, ऑयल में ही छोंक दी। तो यहाँ नमक मिर्च वगैरह सारा डाल दिया मैंने इसमें, और फिर डाल दिया सब्जी और जो मूली, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से खूब भून दूँगी। और यहाँ वो जो मलाई थी वो मैंने काफ़ी देर तक सुबह फेंटी, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकला। तो मैंने सोचा चलो क्या, इसको मैं पिंगाल के रख देती हूँ, जो घी होगा वो ऊपर ऊपर जम जाएगा, बाकी जो पानी इसमें डाला था वो नीचे रह जाएगा। रात को इसको फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। तो दोनों काम मेरे लगातार चल रहे हैं, सब्जी देखे बन गई। उसके बाद मैंने आटा भी बना दिया था, और यहाँ अब बस बनाने लगी हूँ, करने लगी मैं बर्तन साफ। और ये तब की वीडियो जब इंदु आई थी, उससे बाद की मैंने आपको दिखाई थी ना पहली वीडियो में, तो चाय वगैरह के सारे बर्तन ही पड़े थे। और अभी इसके पापा गए हुए थे कटिंग कराने, तो मैं आई नहीं थे, उनके पहले ही आने से मैंने ये सारे काम कर लिए थे। मैं चलो बस जब आएंगे रोटी तभी सेक दूँगी, तब तक सब्जी वगैरह सारी बना के मैंने तैयार कर दी थी। और यहाँ बस जो भी छोटे मोटे से काम थे मेरे, सारे मैंने कर लिए हैं, और अब बस बनाऊँगी खाना। जब तक मैं बर्तन धो रही थी, ये भी आ गए थे, फिर मैंने पानी लगा दिया था गरम। और आज ये उल्टे काम करके आए, आज इन्होंने बहुत गलत कर दिए सारे काम, मतलब गलती कर दी। गलती क्या करी, एक तो इनकी तबीयत डाउन हो रही बहुत ज़्यादा, इनको कोल्ड भी हो रहा और खांसी तो हो ही रही है, ठंड इतनी ज़्यादा थी बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर से ये लगवाया है कलर, कटिंग तो करवाने गए ही गए थे, ऊपर से इन्होंने कलर भी लगवा लिया। और कलर में आपको पता ही है कितनी ठंड लगती है, उससे और भी ज़्यादा शाम को इनकी तबीयत ख़राब होगी। फिर आके इन्होंने बाल धोए, तो मैं इनको जब ये आए मैं तभी कह रही, मैंने कहा आप यूँ तो देखते कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपने सोचा नहीं, बल्कि मुझे भी गुस्सा सा आ गया इनके ऊपर। मैंने कहा आप बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं, यूँ देखते कि तबीयत ख़राब है, आपने देखा नहीं बिल्कुल भी। और ठंड में कलर लगवा लिया, इतनी ठंड हो रही दो दिन से, तो मतलब धूप भी नहीं निकली, कोहरा इतना है। लेकिन भाई बस ये कह रहे हैं कि मेरा पता नहीं, मेरे दिमाग ने काम ही नहीं करा। और मैंने उसे बोल दिया कि लगा दे, वो उसने पूछा होगा कि भैया कलर भी लगवाना, तो लगवा लिया। तो अभी अभी इन्होंने बस बाल धोए हैं अपने, और यहाँ पे अब खाने लगे हैं। खाना मैंने बना ही दिया है, तो ये अपना कह रहे कि मुझे रोटी दे दे, मैं तो लेटूँ, मेरी तबीयत तो डाउन सी हो रही हो ही गई थी। बस बिस्तरा, फिर खाना खाने के बाद मैंने बिस्तरे लगा दिया था, तो ये भाई बैठ गए थे हीटर चला के। तो कभी कभी ना ऐसी गलती हो जाती है जो फिर हमें उसके बाद पछताना पड़ा, ऐसा हो जावे। और रात को फिर इनकी तबीयत और भी ख़राब हो गई थी इस वजह से ही। तो यहाँ पे देखिए खाना खा लिया इन्होंने, इनको दे दिया मैंने सबसे पहले, और उसके बाद बस मैं गुड्डू भी खा लेगी, इसको अभी नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स, खाना हमारा हो गया है सबका, और अभी टाइम 8:00 बजे, 10 मिनट रह गए 8 बजने में। और जल्दी मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये देखे बैठ के रजाई में हीटर चला के, ठंड लग रही। आज गलती होगी भाई मेरे से। आप तो ऐसे ऐसे ही काम करो, गलती क्या होगी। क्या गलती हुई? गलती क्या, गलता है तो। भाई बुखार चढ़ रहा,
मैं गया था बाल कटवान, मुझे परसों तरसों को जाना बाहर कहीं, जब तबीयत ठीक रही। कटिंग करवाने जा रहे दोपहर से कटिंग अपने करवा के देखा बाल सफेद से ज्यादा लग रहे, मैं कहा भाई कलर कर दे। अब आप ही कलर कहा, उसने उसने कहा नहीं, मैंने कहा मैं यार कलर कर दे। और आपने नून देखा मेरी तबीयत अब दम दिमाग में है, तो लिख गया ठंड हो रही है यार, तबीयत ठंड खराब इतनी है। ज्यादा आ जा रही है, कलर करवा कर अच्छा आए। वो कहो भी गया कि भैया बाहर ठंड लगेगी, मैं यही धो के और जब भेज दूंगा। मगर यार आधा घंटा लग जाएगा सूखने में, आधा पौना घंटा सूखा वहीं जाए बालों को, और फिर जाकर तू धोवागा। मगर इतनी देर में तो मैं घर जाकर बहुत काम भी कर लूंगा अपना थोड़ा घना, और पानी गर्म करवा के वहीं धो लूंगा। और आज वैसे इनकी 2 दिन से थोड़ी ठीक सी थी तबीयत, आज डाउन भी है। आज इनके बोलने से ही पता लग रहा कि तबीयत डाउन है इनकी। अब मुझे लग रहा है कि बुखार चढ़ रहा हो। अब वहां तक आने आने में ये सुन हो गया सिर्फ। हाँ तो फिर इतनी ठंड क्या थोड़ी हो रही, बहुत इस दिन तक अब जो सर्दियां शुरू हुई सबसे ज्यादा ठंड आज ही है, आज लगी तो क्या, आज टेम्परेचर चाहे यूपी माइनस वाला नौ हिसाब है यहाँ, आज सूरज हाँ नहीं निकला। आज सूरज नहीं लिकड़ा और कल से कोहरा। तो जैसा कैसा आके फिर इन्होंने अपना सर धोया, तो गर्म पानी से दो धोया वैसे तो, लेकिन फिर भी तीन किलोमीटर दिक्कत दूर है यहाँ तक कालका। कालका मेरा दोस्त है, उसे फोन करा था मैंने आज, नो कहता बढ़िया धूप निकल रही बेहतरीन वाली। कालका में। हाँ मगर भाई यहाँ तो आज यूपी वाला काम हो रहा। हाँ यहाँ तो अब भी बहुत कोहरा हो रहा, मैं बाहर गई हाँ थी कोहरा पड़ रहा, मैं ऊपर गया था अभी तो, कपड़े पिलान। तो अर्द यहाँ धूप निकल गई बढ़िया आज कमाल ये गलती है। कर दी मैंने, भगवान बस ठीक रखे मुझे। तो चलो जी, ये नोना तो जो कर दिया देखूं। अब इनके लिए मैंने पका दिया हल्दी का दूध, वो दूंगी और दवाइयां लेके आए। और सबसे बड़ी गलती इनकी, इससे भी बड़ी एक हो रहा है, ये डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहे। और मुझे आज तो इन पर बहुत गुस्सा आ रहा सच में मुझे, क्योंकि ये ना सुनते नहीं बिल्कुल भी, अपनी अपनी चलावे। अब डॉक्टर के जावे तो पता भी चला क्या दिक्कत है, 5 दिन हो गए परेशान होते हुए, और बस दवाई मंगा लें और खा लें, मंगा लें और खा लें, बताओ उससे आराम हो गया क्या। नहीं अगर कल को दिक्कत रही तो टेस्ट करवा कल। हाँ तो 6 दिन हो गए, अगर आप पहले दिन भी आते अब तक ठीक हो जाते। अरे एकदम थोड़ा या का एमबीबीएस का जाएगा। अय हाय आज मेरा ही हो लिया, मुझे ऐसा लग रहा मेरा ही ठंड लग रही है। एकदम ऐसा थोड़ी एमबीबीएस पे जाया जा, तो पहले पहले 12वीं पास पे जाते हैं। पहले 10वीं पास पे जाओ, फिर 12वीं पास पे जाओ, फिर बीएससी पास पे जाओ, फिर बीएमएस पे अरे जाओ, बुखार हुआ, फिर थोड़ा सा बुखार हुआ एमबीबीएस पे। अरे 1,000 रुपए तो फीस है उसकी। हाँ तो अब कम लगेंगे क्या, अब अरे 5 दिन में जब वेस्ट नहीं हो गए, आराम अब लगा फिर तो जाना पड़ेगा 5 दिन में बेकार हुए उनका क्या है। ना। हाँ ये तो बात है, अब 5 दिन तक परेशान हो रहे, अब तक बिल्कुल ठीक अर्जेंट हो और मत जाते। दवा लेगा 2 दिन में ठीक हो जाता, 1,000 रुपए बच गए थे। हाँ नहीं तो क्यों नहीं हुए फिर, इसका कारण बताओ क्यों नहीं हुए। स्टोर पर से दवाई लेकर खानी नहीं चाहिए, ये हमें तो लेते जाएंगे, कोई से को भी जरा सा कुछ होगा चलो। और अपने लिए ये बहुत ज्यादा लापरवाही बरते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है इनकी। और आज मुझे गुस्सा आ रहा है इन पर, सुबह से ही क्या दोपहर से ज्यादा, मगर आप जितना भी करो सारे काम ऐसे करो। और दोपहर से मैं कह रही, लेकिन आज है संडे इसलिए डॉक्टरों की दुकान आज, मतलब डॉक्टर सभी बंद है, इसलिए सुबह देखूंगी अगर तबीयत ठीक रही इनकी ठीक है, नहीं तो इनको भेजूंगी। तो खैर जी अब बस 8 ही बज गए हैं धीरे धीरे, और मैंने देखिए पका दिया है दूध, हर बंद भी नहीं करा, पक रहा हूँ अभी। ये देखिए हल्दी वाला दूध कर दिया, इन्हें भी दूंगी, गुड्डू को भी मैं भी लूंगी और कन्हैया के लिए। और ईशु आई नहीं आज भी उधर से, ईशु आज उधर ही। तो बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।